हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं धारा 370 और 35A के बारे में, जो कि ख़त्म कर दी गई है। और ये आपको बिल्कुल अभी न्यूज़ में यही छाया हुआ है धारा 370 और 35A के बारे में, ये बिकॉज़ एक हमारे देश के लिए ऐतिहासिक फ़ैसला है। तो यहाँ से क्या क्या आपको प्रॉफिट हो रही है, क्या क्या हमें लॉस हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ से क्या क्या चीज़ें को फ़ायदा हुई, क्या क्या चीज़ों का नुकसान हुआ, ये सभी जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, हम वो सभी यहाँ पर देखेंगे। कुल 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपका 5 नंबर एकदम कन्फर्म है कि आएंगे ही आएंगे। इससे जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं और बिल्कुल ट्रिक्स के साथ देख रहे हैं, ताकि ये आपको अभी तुरंत याद भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है। कह रहा है हाल ही में कौन से राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है। तो वह है आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आप सभी को कैसे याद रख सकता है, बहुत लगभग सभी को याद होगा, क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर किसी के जुबान पे, हर जगह जम्मू कश्मीर ही छाया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा धारा 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कब पारित हुआ। आपको कह रहा है कि धारा 370 जो है उसे हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कब पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ 5 अगस्त को। अब ये जो है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को हम सभी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको यहाँ से कैसे याद रख सकते हो कि आप जानते हो, आपको यहाँ पे देख रहा है जम्मू कश्मीर को जो है बहुत सारे नियमों से स्वतंत्रता मिली, धारा 370 और 35A से स्वतंत्रता मिली। तो इसलिए हम यहाँ पे कैसे इसे याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त को पूरे देश को स्वतंत्रता मिली और 5 अगस्त को इससे ठीक 10 दिन पहले, ठीक आपका 10 दिन पहले यानी कि 5 अगस्त को क्या हुआ, तो इसे जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A से स्वतंत्रता मिल गई। तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हो, 5 अगस्त 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धारा 370 हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में कब पारित हुआ। पीछे हमने देखा कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 5 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के ठीक 10 दिन पहले, बट लोकसभा में ये जो है 6 अगस्त 2019 को पारित हुआ, उसके ठीक एक दिन बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऐसा क्यों होता है, आप सभी को पता है कि राज्यसभा जो होता है हमारा अपर डिवीज़न होता है और लोकसभा हमारा लोअर डिवीज़न होता है। तो लोअर डिवीज़न में इसके एक दिन बाद पारित हुआ है। तो आपको याद रखना है कि मेनली जो है आपको पूछा जाएगा कब आज़ादी मिला, तो 5 अगस्त 2019 को ही मिला जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 हटा, बट लोकसभा में यह बिकॉज ये लोअर डिवीज़न है तो 6 अगस्त 2019 को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक उसके बाद है आपका जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 का कौन सा खंड लागू रहेगा। कह रहा है आप सभी को हमने ऊपर भी बताया कि धारा 370 हटा लिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरे धारा 370 हट गई है। धारा 370 का कोई खंड है जो कि लागू रहेगा, तो वह कौन सा खंड है, तो वह है आपका खंड एक। आप जान आपको यहाँ से कैसे याद रख सकता है कि धारा 370 का बस एक ही खंड लागू ही है और वह हो जाएगा आपका खंड एक, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर से धारा 370 के साथ साथ कौन सी धारा हटा ली गई। तो धारा 370 के साथ जो है धारा 35A हटा ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। धारा 35A में क्या था क्या नहीं था ये सारे हम आगे देखेंगे। तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो आप सभी को पता है कि पूरे देश में जो है किसी भी स्टेट हो, सभी का विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो अब जम्मू कश्मीर में भी 5 साल का ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसे आप बिल्कुल ट्रिक भी नहीं ज़रूरत है, आप याद रख सकते हो कि सभी स्टेट्स, केंद्र शासित प्रदेश ये सारे जो होते हैं उसमें 5 साल का ही कार्यकाल होता है। तो जम्मू कश्मीर भी 5 साल का होगा, पहले यह 6 साल का होता था। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश बना। आप सभी को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है आपका 2 भागों में आपका बट गया है। जम्मू कश्मीर का एक पार्ट जो है जम्मू कश्मीर है और दूसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख।
तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ कौन सा केंद्र शासित बना? तो लद्दाख बना, यानी ऑप्शन नंबर सी। केंद्र शासित मतलब होता क्या है कि केंद्र यानी कि सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासन जहाँ पे चलता हो उसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ जो हुआ आपका जम्मू कश्मीर के साथ कौन केंद्र शासित प्रदेश बना? तो लद्दाख बना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जैसे ही हम केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब उसमें 2 और ऐड हो गया यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ऑप्शन नंबर डी। वो कौन कौन से हैं आपके? तो आप सभी को पता है, एक आपका हो जाएगा दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा हमारा दादर एंड नगर हवेली, तीसरा पुडुचेरी, चौथा आपका लक्षद्वीप। इसी तरीके से आपका एक और है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और आपका उसके बाद आ जाता है इसी तरीके से 2 और, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट, इसी तरीके से भारत में अब कितने राज्य हैं, अब कितने स्टेट्स हो गए? तो ये आपको क्या करना है कि आप सभी को पता है कि जैसे ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बटा था तो भारत में 29 स्टेट्स हो गए थे, बट अब आपका क्या हुआ है, 5 अगस्त को जैसा कि हमने बताया जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट छोड़ के अब यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो एक स्टेट आपके फिर से हट गए हैं। तो भारत में अब कितने स्टेट बच गए हैं? तो 28, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसी तरीके से भारत के गृह मंत्री कौन है? अब ये आपको क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, बिकॉज भारत के गृह मंत्री ने ही इसे राज्यसभा में लाया था। तो भारत के गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 35A कब लागू हुआ था? पहले के बारे में बोल रहा है कि 35A तो अब हटा दिया गया है, बट इससे पहले वह लागू कब था? तो यह जो है 14 मई 1954 को लागू हुआ था। और इसके तहत था क्या, 14 मई 1954 को लागू हुआ था, तो इसके तहत आपके बहुत सारे रूल्स थे कि जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता, ये सारे जो आपके रूल्स बने थे जम्मू कश्मीर को लेके वो सारे आपको 14 मई 1954 को बने थे, और अब ये सारे चीज़ों को 35A को हटा लिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के शासन कौन शासक कौन होंगे? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र शासित प्रदेश के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लद्दाख के भी शासक उस उपराज्यपाल ही होंगे, बिकॉज जो आपके यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे आपके राज्यपाल यानी कि गवर्नर नहीं होते हैं, वहाँ जो आपके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, और जो भी आपके स्टेट्स है वहाँ पे आपके उपराज्यपाल नहीं राज्यपाल होते हैं, बट केंद्र शासित प्रदेश के शासक उपराज्यपाल होते हैं बिकॉज वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं। तो लद्दाख के शासक जो हैं आपके उपराज्यपाल होंगे। तो ये सारे आपके यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो आपके बन रहे थे। अब सवाल ये आता है कि धारा 370 जो है, हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था धारा 370 और 35A। तो इसमें आपके क्या क्या इससे फ़ायदे हुए? तो सबसे पहली बात क्या हुआ कि पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती थी और अब एकल नागरिकता होगी। पहले लोगों के पास जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता होती थी और पूरे भारत की अलग नागरिकता, और जम्मू कश्मीर में इसलिए दोहरी नागरिकता चलती थी, बट पूरे भारत में आपको एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर आपका क्या था कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो संविधान जो है अलग था, कोई कोई चीज़ जो था आपका वहाँ पे अलग चीज़ें थे वो सारे आपको यहाँ पे चेंजिंग आएंगे। फिर आपको क्या क्या चेंजिंग आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है आपका CGA, ये सारे कानून जो थे वो नहीं लागू होते थे, वो सारे आपको लागू होंगे। RTI और CAG जो है वो सारे आपको लागू किए जाएंगे, पहले वहाँ ये सारे नहीं थे। पहले जम्मू कश्मीर के अलग फ्लैग था आपका, अलग झंडा था, अब वहाँ पे आपको बिल्कुल इंडिया का ही झंडा हो जाएगा और वहाँ पे अलग झंडा नहीं रहेगा। और पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडिया के झंडा या फिर इंडिया के प्रतीक जो आपके थे वो सभी वहाँ पे जो थे, अगर वहाँ के लोग उसे उसका अपमान कर देते थे भारत के झंडा या फिर आपके जो प्रतीक है, तो वहाँ के लोगों को इसके लिए कोई अपराध नहीं माना जाता था, जबकि पूरे भारत में इसे अपराध माना जाता है। तो अब जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के राष्ट्रीय जो आपके प्रतीक हैं, आपके जो झंडा है, उसे
उसके अपमान नहीं कर सकते। फिर आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे इसी तरीके से रूल्स बनाए गए हैं जो कि सारे ज़रूरी थे बनाने। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर की अगर कोई महिला होती थी वो पूरे भारत के किसी भी स्टेट्स के पुरुष से शादी कर लेती थी तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती थी, जबकि अगर पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से शादी करती थी तो पाकिस्तान के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता मिल जाती थी। तो ये सारे आपको यहाँ पर नहीं होंगे, तो यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन बनते थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।